माइनक्राफ्ट। लेकिन आज है हमारे पास कॉड टीएनटी जिनकी मदद से मैं तबाह करने वाला हूँ पूरे वर्ल्ड को। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ओके तो हम लोग हो चुके हैं स्पॉन एक स्नोई बायोम में और देख सकते हैं मैं कैसे ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो अब देरी ना करते हुए जल्दी से ढूंढते हैं अपने विलेज को, क्योंकि विलेज ढूंढ के जो तबाही मचाने मजा है वो किसी चीज में नहीं है। एंड आई थिंक गाइस मुझे सामने विलेज दिख गया। जी हाँ दोस्तों, तो अब जल्दी से देरी ना करते हुए नीचे चलते हैं और विलेजर्स को करते हैं हम लोग परेशान, क्योंकि जो मजा उन लोगों को परेशान करने में वो किसी चीज में नहीं है। और फाइनली मैं नीचे लैंड हो चुका हूँ, अपने आप को देख तो लूँ वहाँ बड़ा हैंडसम लग रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब जल्दी अपना काम स्टार्ट करते हैं। और गाइस अभी हमारे पास है पंपकिन बॉम्ब, और इससे क्या होगा, विलेजर्स को पंपकिन तो बहुत पसंद है, मैंने भी सुना था। तो देखते हैं कि पंपकिन देने वाला है क्या। तो यहाँ पर हम लोग प्लेस करते हैं अपना पंपकिन बॉम्ब और भागते हैं, कहीं हमारे सिर पे ना फूट जाए। ओ भाई 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 भाई, ओके ये क्या भाई। हाँ यार, इसने तो पंपकिन दिया लेकिन नीचे और भी कुछ चीजें मुझे दिख रही है। ये क्या भाई, ये तो हमें कैंडी दे रहा है। ओहो, मतलब ये कैंडी खाने के साथ हमें कुछ नई नई एबिलिटीज भी मिल जाए। तो एक बार हम लोग इसको खा के ट्राई करते हैं। ओ भाई ये क्या, इससे तो हम लोग तेज तेज दौड़ने लगे। ये क्या हो रहा है भाई, अरे क्या यार, बहुत ही कुद्दू सा ये बॉम्ब लग रहा है, मेरे को मजा नहीं आया। तो अब बारी है अपने सेकंड टीएनटी की, तो अब जल्दी से हम लोग अपना सेकंड टीएनटी रखते हैं जो है डिगिंग टीएनटी। और मुझे पता नहीं इसे क्या होने वाला, तो जल्दी से मैंने अपना टीएनटी यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब लगाते हैं इस पे आग और भागते हैं। ओ हो हो भाई बड़ा देर, ओ नहीं मैं फंस गया। ये क्या भाई, ये कितना गहरा गड्ढा कर दिया, नीचे चल के देखे क्या, शायद कोई खजाना मिल जाए। चलो 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 चलो, खजाना तो नहीं भाई, नीचे पानी जरूर मिल गया भाई। ओहो अच्छी बात है नीचे पानी था, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट मर ही जाता नीचे आके। जल्दी से चलते हैं ऊपर, ये कुछ खास नहीं लगा टीएनटी मेरे को। और अब ट्राई करते हैं अपना तीसरा टीएनटी, और वो तीसरा टीएनटी है हमारा क्लस्टर बॉम्ब। ओके तो क्लस्टर बॉम्ब की बारी है, तो ये हमने इसको भी प्लेस कर दिया और इस पर भी हम लोगों ने लगा दी है आग। और ये कहाँ गायब हो गया भाई, हेलो। अच्छा ऊपर, ओ नहीं, ओ भाई ये क्या, ये तो आधे विलेज को तबाह कर दिया, पूरा गड्ढा कर दिया यार। और शायद यहाँ पे अब थोड़ी देर में बाढ़ भी आने वाली है, क्योंकि इनका जो बांध था ना वो टूट गया है। तो हमने अपना और नेक्स्ट टीएनटी प्लेस कर दिया जिसका नाम है एंड गेट टीएनटी, और इससे क्या होगा, शायद हमारा विलेज एंड वर्ल्ड में बदल जाए, क्या पता। तो अब जल्दी से देखते हैं कि होने क्या वाला है। ओ भाई ये क्या हो गया, मेरा ये पीसी तो बिल्कुल हैंग हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए। ओके भाई तो ये तो पूरी एंड सिटी में बदल गया मेरा पूरा विलेज, और ये विलेजर थे ना पूरे अंडरमैन बन गए भाई। मतलब क्या ये विलेजर अंडरमैन ही होते हैं, पता नहीं, वो आगे चल के पता चलेगा। तो अब बारी हमारी हंग्री टीएनटी की, तो अब हम लोग हंग्री टीएनटी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, जल्दी से लगाते हैं इस पे आग। और ए भाई ये क्या है, इतना दूर क्यों फेंक रहा है मेरे को भाई, इस तरह में तो मैं मर जाऊंगा, फूट क्यों नहीं रहा है, कितना टाइम लगाएगा। ये क्या है भाई, है कुछ तो हुआ। ओह माय गॉड, इतना बड़ा गड्ढा, ये क्या हो गया यार, पूरा विलेज तो यहाँ से उड़ गया, कहीं पता नहीं भाई किसी का, ना विलेजर दिख रहे हैं ना एक ईंट दिख रही भाई। ये तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक टीएनटी है भाई, ये तो गॉड लेवल का टीएनटी था, मुझे तो पता ही नहीं था यार। अब जल्दी से हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा और अपने नए टीएनटी की बारी, उसके लिए मैं नया विलेज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इस वाले हेलफायर टीएनटी को एंड सिटी में फोड़ना है और देखना है कि होने क्या वाला। इसका एनिमेशन तो बड़ा ही तगड़ा लग रहा है देखने से भाई, चारों तरफ इससे पिचकारी की तरह आग निकल रही है, पर इस पे होने क्या वाला है भाई, ये क्या, ये सब कुछ जल गया भाई। ओके मैं समझ गया हूँ ये क्या है, ये हेलफायर टीएनटी था, इसलिए सब जगह आग लग गई है यहाँ पे और सब कुछ पूरा बदल गया भाई। ओके और ये क्या, नए नए यहाँ पे आ गए हैं मॉब्स। ओ माय गॉड, ये कितना मस्त है भाई, यहाँ पे तो लावा की बारिश हो रही है, कितना ही मस्त लग रहा है ये देखने में यार, कसम से ये देख के तो मेरे को मजा ही आ गया। अब मेरे से यहाँ पे रुका नहीं जा रहा, तो अब यहाँ से मेरे को जल्दी से निकलना पड़ेगा। और अब बारी हमारे टीएनटी फायर वर्क की, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा नया विलेज। ओके लेकिन उससे पहले इसको यहीं पे फोड़ लेते हैं, विलेज में नया टीएनटी फोड़ेंगे। तो इस पे हम लोगों ने लगा दिया। और ये क्या भाई, यहाँ से तो टीएनटी की बारिश होने लगी। ओके और भाई ये ऐसे करता रहा भाई, मैं तो पूरे माइनक्राफ्ट को ही खत्म कर दूंगा यार, पता भी नहीं चलेगा लोग कहाँ गए यार, मैं तो वाकई बहुत ज्यादा बुरा हूँ। तो हम लोग अब दूसरे विलेज पे आ गए हैं जिसकी तैयारी करने वाले हम लोग फायर टीएनटी से, तो हम लोग यहाँ पे फायर टीएनटी प्लेस कर दिया है। और ये क्या, यहाँ से भी आग का एनिमेशन निकल रहा है, अब देखना ये कि होता क्या। ओह माय गॉड ये क्या भाई, यहाँ पे तो भाई आग ही लग गई चारों साइड में,
भाई विलेजर तो जिंदा जल जाएंगे, उनका भरता बन जाएगा भाई, जिंदा जिंदा भरता बन जाएगा भाई। ओके हम लोगों ने इसको भी टेस्ट कर लिया, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टीएनटी ट्राई करते हैं जिसका नाम है कोलोजल टीएनटी। उसके पहले जल्दी से इन सारे टीएनटी को हम लोग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, एक लाइन हमारी खत्म हो चुकी है, दूसरी लाइन के टीएनटी है, तो हमने कोलोजल टीएनटी को यहाँ पे रख लिया है। अब इस पर भी हम, अबे टीएनटी किधर गया, ऊपर चला गया भाई, ऊपर से नीचे गिरने वाला है क्या? ओके नीचे तो गिरा लेकिन हुआ कुछ नहीं भाई, भाई कुछ तो बहुत गलत होने वाला है, मेरे को तो लग ही रहा था। और ये बहुत गंदी सी आवाज भी आई है। ओ गाइस मेरा यहाँ पे लैपटॉप हैंग कर गया है, मैं समझ गया हूँ। ओ नो भाई, अभी मेरा 3 महीने पुराना लैपटॉप है यार, ऐसा चलता रहा भाई तो मेरे को भाई दूसरा खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं। और वो तभी आएंगे जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और उसको शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। और ये क्या भाई, बात करते करते यहाँ पे तो भाई मौत का तांडव हो गया, कितना ही बड़ा गड्ढा है भाई। ओ भाई मेरा पीसी कसम से कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, पूरा देख सकते हो ग्राफिक ही क्लियर नहीं हो रही है, कितना भयानक गड्ढा हो गया भाई, कम से कम 100 फीट गहरा गड्ढा है भाई। अब हम लोग जल्दी से सैंड पे आ गए, अब हम लोग ट्राई करेंगे अपना एक्सरे टीएनटी और इसको प्लेस कर दिया हमने, अब देखना ये कि इससे होता क्या है। ओके तो हम लोगों ने इस पे लगा दी है आग, लेकिन इससे होगा क्या? ओ नहीं भाई, इसका जैसा नाम था एक्सरे टीएनटी वैसे ही इसने एक्सरे करके सब कुछ पूरी लूट दिखा दिया नीचे की। और भाई नीचे की जितनी सैंड थी ना वो सब कुछ ग्लास में तब्दील हो चुकी है, ये तो बहुत ही मस्त है यार। ऐसे में तो हम इसको कहीं भी फोड़ के लूट ले सकते हैं भाई, हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे डायमंड है, कहाँ पे हमारे आयरन है, कहाँ पे हमारे और बाकी के लूट है। ओके तो हम लोग ऊपर जाते हैं और अब हम लोग ट्राई करेंगे अपना एंटिटी फायर वर्क। भाई ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा नाम इसका, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ से फोड़ के देखेंगे किससे कौन सी एंटिटी हम लोग को मिलने वाले। तो हम लोगों ने इस पे आग लगा दी है और ये रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हो चुकी है पिक की बारी। भाई ये तो बहुत ज्यादा परी लग रहा है यार, कितनी सारी पिक आ गई है, कितनी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है वाँ 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 करके। कोई बात नहीं, अब हम लोग अपना नेक्स्ट एंटी फोड़ेंगे जिसका नाम है आइस एस टी एन टी। ओके इससे क्या होगा भाई, इससे बर्फ का तूफान आएगा क्या? वो तो बाद में, हाँ यार इस पे जैसे ही मैंने आग लगाई तो बर्फ का तूफान आने लगा है और ये जगह थोड़ी देर में बर्फीली जगह में तब्दील हो जाएगी। और इससे पहले हम लोग यहीं पे दफन हो जाए, जल्दी से दूसरा टीएनटी ट्राई करते हैं। बट एक सेकंड गाइस, मुझे लगता है इस मौसम का आनंद लेना भी जरूरी है क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। ओहो भाई हम लोगों को तो ठंडी लग, ओके भाई ठंड के मारे मर जाएगा, जल्दी से हम लोग अपना नेक्स्ट टीएनटी ट्राई करते हैं जिसका नाम है ग्रैंड फिनाले टीएनटी। ये कौन सा ग्रैंड फिनाले भाई, इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले क्या, कि डीआईडी का ग्रैंड फिनाले, वो बाद में पता चलेगा। जल्दी से इसमें आग लगाते हैं और एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, ऊपर ऊपर से कुछ आ रहा है। ओ नहीं ये ऊपर से तो भाई, ये क्या भाई, डब्बों की बारिश हो रही है, रंग बिरंगे डब्बों की बारिश हो रही है। और भाई मेरा ये लैपटॉप बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, पूरा फंस रहा है भाई, कितना गंदा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है यार। ये टीएनटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे को ले डूबेंगे यार, मेरा लैपटॉप लगता है बचने नहीं वाला है। ये क्या हो रहा है भाई, नहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं भाई, बस बस थोड़ी देर और, आ आ नहीं मेरा लैपटॉप प्लीज, कोई तो रोक लो। ओके भाई ये जगह कितनी मस्त लग रही है यार, कसम से, ओ माय गॉड। ओके तो अब जल्दी से हम लोग अपना नेक्स्ट टीएनटी फोड़ते हैं, रेनबो टीएनटी। इससे क्या होगा, इंद्रधनुष बनेगी क्या, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। नीचे चल के फोड़ते हैं जल्दी से, इसको हम लोगों ने घर के ऊपर प्लेस कर दिया, आप लोग आते हैं इस पे आग और ये भी ऊपर जा रहा है। ओके अबे यार ये भी कितना फुद्दू टीएनटी निकला यार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रैंड फिनाले टीएनटी फोड़ा था उससे भी रंग बिरंगे डब्बे निकल रहे थे, कोई बात नहीं अब हम लोग जल्दी से मेट्योर टीएनटी फोड़ते हैं और साथ इससे ऊपर से बहुत सारे मेट्योर नीचे गिरने वाले हैं जिससे माइनक्राफ्ट के इस पूरे वर्ल्ड में गड्ढा हो जाएगा और तबाह। ओ बॉय कितने सारे बारूद नीचे गिर रहे हैं बिल्कुल यार, और इतना मस्त एनिमेशन लग रहा है और हर जगह आग लगती जा रही है। भाई यार ये गड्ढे तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आग, नहीं 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 आई एम सॉरी गाइस, ये गड्ढे कर रहे हैं बहुत लंबे वाले, ये सैंड वाला विलेज भी तबाह होने वाला है, विलेजर दिखाई नहीं दे रहे, सब लोग अपने जाके बिल में छिप गए क्या? दोस्तों देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पीसफुल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आतंकवादियों ने हमला कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा दया आ रही है बेचारे विलेजर के ऊपर, उनका घर तबाह हो गया, आज मैंने 3-3 विलेज डिस्ट्रॉय कर दिए भाई। ओके तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं और अपना ट्राई करते हैं लावा ओसन टीएनटी। इससे क्या होगा भाई, लावा की बाढ़ आने वाली है क्या? ओके वो तो बाद में पता चलेगा, फूट जा जल्दी फूट भाई, कि टाइम कितना ले रहा है भाई, कितनी फुटेज खाएगा, एक दो, ओ नहीं ये भाई इनका ओसन तो बहुत छोटा है भाई,
देखो मैं लावा में तैर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी से ये सड़ा सा टीएनटी है। ओके अब बारी है हमारे गॉड लेवल टीएनटी की। ओके तो अब हमारी बारी है हाइपेरियन टीएनटी को फोड़ने की। हमने यहाँ पे हाइपेरियन टीएनटी को रख दिया है और उस पर लगा दिया है। अब देखना ये है कि इससे होता क्या है। भाई ये क्या यार, ये हरा हरा क्यों बन गया? आगे चल के देखता हूँ, ये कुछ अजीब लग रहा है मेरे को यार। हैं, समझ में नहीं आया ये हुआ क्या इस पे। ओके अच्छा गाइस, आप लोगों ने नोटिस किया जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जहां जहां मेरे पवित्र कदम पड़ते जा रहे हैं वो जगह हरियाली से भरपूर होती जा रही है। ओके ये हाइपेरियन बायोम में परिवर्तित हो रहा है। कोई बात नहीं, अब हम लोग जल्दी से लाइटनिंग स्ट्रॉम टीएनटी को फोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रेस कर दिया, लगाते हैं इस पे आग। ओके हम लोगों ने इस पे आग, ओ नाइस, लाइटनिंग स्ट्रॉम आ रहा है, वो भी इतना तगड़ा वाला, कितना ही मस्त लग रहा है भाई। और हर जगह आग लग गई भाई, आग ही आग, आग ही आग, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आग की बारिश हो रही है भाई पूरा। यार ये माइनक्राफ्ट हमारा तबाह होने की कगार पे खड़ा हुआ है। तो अब जल्दी से हमारी बारी है माइनर्स एंग्री माइनस टीएनटी को फोड़ने की। तो अब देरी ना करते हुए जल्दी से मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे एंग्री माइनस टीएनटी को और देखूंगा कि इससे होने क्या वाला है। भाई एंग्री माइनस टीएनटी कितना अजीब सा नाम नहीं लग रहा, इससे क्या होगा भाई? माइनस की बारिश होगी क्या ऊपर से? ओहो बारिश तो नहीं हुई लेकिन स्पॉन जरूर हो गए यहाँ पे हमारे एंग्री माइनस। इनको मार के देखता हूँ ये क्या कुछ मेरा बिगाड़ पाएंगे क्या? नूबड़ो किधर जा रहे हो, इधर आओ। ओ तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम लोगों का मालिक मैं हूँ, जो मैं कहूंगा वही तुम लोग करोगे। हे, देखो इन सब का राजा मैं हूँ, ये सब मेरी सेना में है। ओहो कितना ही औसम है। तो अब जल्दी से हम लोग ट्राई करते हैं अपना रिवर्स टीएनटी, इस पे लगाते हैं आग। रिवर्स क्या भाई, हमारा वर्ल्ड उल्टा हो जाएगा क्या? ऊपर क्या है भाई, ये क्या फिर से मेरा कंप्यूटर अटक गया? ओ नहीं, ये भाई हमारा माइनक्राफ्ट का ये जो थोड़ी दूर का वर्ल्ड था ना, ये पूरा रिवर्स हो गया है। आई मीन अपसाइड डाउन, भाई इसका नाम तो गलत है, अपसाइड डाउन नाम होना चाहिए था। इस पे हम लोग उजेला लगा के देखते हैं। हाँ भाई मैंने सही कहा, मैंने टॉर्च लगा के जैसे देखा, हमारा पूरा नीचे का जो सरफेस था वो पूरा उल्टा हो गया है। और थोड़ा दूर से देखते हैं किस तरह का है। भाई ये तो उल्टी फुटबॉल लग रहा है। कितना ही फनी है। फाइनली हमारा लास्ट वाला टीएनटी आ गया जिसका नाम है एविल टीएनटी, और इस पे हम लोगों ने लगा दिया है आग। और ये क्या भाई इतना ज्यादा ब्लिंक क्यों कर रहा है, इससे क्या होगा भाई? ये पूरा माइनक्राफ्ट उड़ जाएगा क्या? सब कुछ तहस नहस तो नहीं हो जाएगा? होने का वाला है इस वाले टीएनटी से? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। ये दौड़ कैसे रहा है भाई, सांप की तरह है भाई, ये तो भूत है। अच्छा ये दौड़ दौड़ के ब्लिंक हो रहा है, इसलिए इसका नाम एविल टीएनटी है क्या? ओह भाई ये क्या यार, ये तो बहुत ही सड़ा सा टीएनटी निकला यार, मैंने कुछ और सोचा था, खोदा पहाड़ निकली चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट पे पार्ट टू लिख दीजिए, मैं पार्ट टू लेकर आ जाऊंगा। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, बाय बाय, पीस आउट।